हेलो नमस्ते दोस्तों, मनीषा राय ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, सूजी का कुछ नई रेसिपी। देखिए इसको बड़े और बच्चे को बहुत पसंद में आएगा दोस्तों, एक बार ज़रूर बना के खाएं। शाम होते ही कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, आप लोग बनाइए ज़रूर। देखिए 3 छिला हुआ आलू ले लिए हैं, 2 प्याज छिला हुआ ले लिए हैं, टमाटर 1 ले लिए हैं, 3-4 मिर्ची ले लिए हैं। अब ग्रेट ले लिए हैं आलू। आलू को ये छोटे वाले ग्रेट से ग्रेट करना है, बड़े साइज वाले से नहीं करना है, ताकि आलू जल्दी से पक जाए। देखिए आलू को ग्रेट कर लिए हैं। देखिए आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। इधर प्याज भी काट लिए हैं, बारीक कट में काटे हैं 3 दोनों प्याज, और थोड़ा सा करी पत्ती काट लिए हैं, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची दोनों काट लिए, टमाटर भी काट लिए हैं। 1 कटोरी सूजी ले लिए हैं दोस्तों। देखिए आप लोग भी ये नाश्ता एक बार ज़रूर बनाइएगा। आलू को अच्छे से छान लेते हैं। पानी पूरा एकदम गार गार के छानिएगा, ताकि देखिए पूरे आलू को छान लिए हैं दोस्तों। इधर कढ़ाई लेके गैस पे चढ़ा लिए हैं, थोड़ा सा इसमें तेल डाल दे रहे हैं, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो देखिए तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देते हैं, थोड़ा सा सरसों डाल दे रहे हैं, इसको राई भी बोलते हैं। अब इन लोग को भून लेंगे जब तक तड़क जाएगा। इसमें करी पत्ता डाल दिए और मिर्ची भी डाल दिए साथ में, थोड़ा सा इन लोग को भून लेंगे। देखिए भून लिए, इसमें प्याज भी बारीक कटा हुआ डाल दिए। अब 2-1 सेकंड तक के प्याज भून लेंगे। देखिए प्याज भी भून गया है। अब इसमें 2 कटोरी उसी कटोरी के नाप से पानी डाल दे रहे हैं। पानी डाल दिए हैं इसमें, अब कटा हुआ टमाटर भी इसमें डाल दे रहे हैं। टमाटर को डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दे रहे हैं। अब इनसे सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे 2 मिनट तक के। थोड़ा सा 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल दे रहे हैं, घर का लाल मिर्च है। अब इसमें जो ग्रेट हुआ था आलू था उसको डाल दिए हैं। अब आलू को 2 मिनट तक के पका लेंगे, अच्छे से इसमें उबाल आ जाए तब सूजी जाके डालेंगे दोस्तों, नहीं तो आलू नहीं पक पाएगा। देखिए आलू में बलकने लगा है। अब सूजी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे गैस को आप करके, स्लो करके एकदम, नहीं तो फिर फुल आँच में करेंगे तो गुठली हो जाएगा आलू ये सूजी जल्दी से पक नहीं पाएगा। देखिए ऐसे मिलाते रहना है, इसको स्लो आँच में इसको पकाना है, थोड़ा भी गुठली सूजी का ना रह जाए, नहीं टेस्ट बिगड़ जाएगा, टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगेगा इसका। देखिए पूरी सूजी को अच्छे से ऐसे चम्मच से मिलाना है, स्लो आँच में इसको 1-2 मिनट पकाना है ऐसे ही करके। बहुत बढ़िया है नाश्ता लगता है, आप लोग भी अपने घर में एक बार ज़रूर बना के खिलाइए। देखिए धीरे धीरे पकने लगा है, मोटा होने लगा है, पानी पूरा ये सोख लिया है सूजी। पूरी तरीके से पक गया है। अब देखिए सूजी, अब इसको गैस बंद कर लेते हैं। एक थाली या ट्रे किसी में भी आप लोग इसको जमा सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालिए या फिर रिफाइंड या घी भी डाल सकते हैं। पूरे थाली में अब इसको लगा लेंगे तेल को अच्छे से।
देखिए हाथ से लगा सकते हैं, ब्रश हो तो ब्रश से भी लगा सकते हैं आप लोग। अब पूरा सूजी जो बेटर बना हुआ है इसी में डाल देंगे, इसमें डाल के चम्मच की मदद से पूरा थाली में अच्छे से फैला लेंगे, एकदम कहीं भी मोटा ना रह जाए, एक साइज का कर लेंगे इसको। देखिए पूरी तरीके से इसको ऐसे फैला लेना है, कहीं भी थोड़ा सा मोटा पा और पतला ना होने पाए, तभी साइज इसका अच्छा होगा। अब इसको छोड़ देंगे आधा घंटा तक के, अच्छे से सूख जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। देखिए आधा घंटा बीत गया है, हाथ से दबा के देख रहे हैं दबी नहीं रहा, एकदम मस्त टाइट हो गया है। अब इसको आप ग्रेट से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, हम तो चाकू से काट रहे हैं। देखिए ऐसे इसको बर्फी शेप में काटना है। अब इसको दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे अच्छे से। देखिए सारे कटिंग कर लें, कितना अच्छा शेप निकला है, एक भी नरम नहीं रह गया है, एकदम टाइट हो गया है खाने लायक। आप लोग भी देखिए कितना बढ़िया कट गया है सारा वो, आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के खाइए। इसके तीखी या मीठी किसी भी चटनी से खाइए, ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चे और बड़े को बहुत बहुत पसंद में आएगा। मेरे वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।